नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाता हूं और आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग स्किन केयर प्लान के साथ। कैसे आप अपनी स्किन को उम्र में ढलने के लिए, उम्र के साथ जो चेंजेस आते हैं स्किन में, रिंकल्स, जो बॉटी कम्प्लेक्शन आता है, लेदरी स्किन आता है, फर्मनेस चले जाती है, स्किन ढीली पड़ जाती है, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, इन सब से कैसे बचा सकते हैं, क्या रूटीन होना चाहिए एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन, खासकर अगर आपकी उम्र 40-50 के आसपास है, उससे ऊपर है। तो दोस्तों, एक्चुअली कई लोग रिंकल क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, आई क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों आपके जो साइंस है, एजिंग के जो साइंस है, जो दिख रहे हैं ये सब, इसको थोड़े कम दिखेंगे, इसको थोड़े कम हो जाएंगे, दिखेंगे, लेकिन इसको आने से रोकना, आने से रोकना, दिखने से रोकना अलग स्टेप है और आने से रोकना अलग स्टेप है, दिखने से रोकना अलग स्टेप है और आने से रोकना अलग स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि एजिंग के जो साइंस है, रिंकल्स हैं, ये सारी चीज़ें आए ही ना, या लेट आए, धीरे धीरे आए, बहुत लंबे समय के बाद आए, तो ये रूटीन फॉलो करिए। बहुत सिंपल है, कई चीज़ें मैं रिपीटेडली बार बार बता चुका हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। एक स्किन केयर रूटीन ही आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती है। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा कि आपके स्किन में बॉटी कॉम्प्लेक्शन जो होंगे क्लियर अप हो जाएगी, स्किन क्लियर रहेगी और स्किन के अंदर जो यूथफुलनेस है, जो जवानपना है, फर्मनेस है, वो ज़्यादा दिन तक रहेगा। लाइंस, रिंकल्स कम होंगी, कम आएंगी, लेट आएंगी, आएंगी तो, और कॉम्प्लेक्शन जो है ब्राइट दिखेगा, यंग दिखेगा, लेदरी स्किन जो हो जाती है, लेदर जैसी, वो नहीं दिखेगी और स्किन केयर के भी रिस्क और स्किन कैंसर का भी रिस्क कम होगा। सो इसमें क्या क्या करना है दोस्तों? पहला सबसे बेसिक, सो आइए बात करते हैं रूटीन में क्या क्या है। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। इसमें क्या है दोस्तों? सबसे बेसिक, सबसे बड़ी चीज़ है प्रोटेक्शन। स्किन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उसको डैमेज होगा तो बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। प्रोटेक्ट करना, सबसे बड़ा स्किन का दुश्मन है सन। सन प्रोटेक्शन सबसे बड़ा और फाउंडेशन है किसी भी प्रकार के एंटी एजिंग स्किन केयर प्लान का। आप अगर सन से नहीं बचा रहे हैं तो आप बहुत जल्दी बूढ़े होंगे, सारे बुढ़ापे के साइंस आएंगे, प्रीमेच्योर एजिंग होगा। इसे फोटो एजिंग कहते हैं, फोटो एजिंग, जितना धूप में उतनी एजिंग, उतनी जल्दी एजिंग। यूवी रेज बहुत खतरनाक हैं, तो छांव ढूंढिए, सीक शेड। शेड बहुत ज़रूरी है, खासकर 10 बजे से 4 बजे के बीच में, जब धूप सबसे ज़्यादा होती है। धूप है, शेड ढूंढिए। कवर योर सेल्फ इन स्टाइल, कवर करिए आप पैरों को, सर को टोपी से कवर करिए, जितना हो सके में रहिए। सनग्लासेस पहनिए, ग्लव्स पहनिए, एज स्पॉट्स कम होंगे आईज में, हाथ में, जितना कवर उतना अच्छा। उसके अलावा सनस्क्रीन लगाना है 15 मिनट पहले बाहर जाने से, 15 मिनट लगते हैं उसे इफेक्टिव होने के लिए। और एक अच्छी सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 और मोर, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। UVA UVB दोनों के लिए एक्टिव होनी चाहिए, वाटर रेजिस्टेंस हो थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्विमिंग करेंगे तो निकल जाएगी, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो निकल जाएगी, बहुत ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। सो सन से बचाना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है, बेसिक नहीं तो कोई फायदा नहीं क्रीम का, किसी और चीज़ का। दूसरी चीज, टैनिंग नहीं करनी है, फॉरगेट अबाउट इंडोर टैनिंग। चाहे आप धूप से टैन करें, टैनिंग बेड से करें, सन लैम्प से करें, टैनिंग विल हार्म यू। चाहे आप सन से टैनिंग करें, टैनिंग बेड से करें, धूप से करें, सन लैम्प से करें, टैनिंग से आपकी स्किन में अल्ट्रावायलेट रेज ही यूज होती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज से एजिंग एक्सेलरेट होती है, आप बुढ़ापे की तरफ दौड़ेंगे, आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा। इसके अलावा मॉइस्चराइज बहुत ज़रूरी करना है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी स्किन पतली होती जाती है, उसमें से कोलेजन कम होता है, उसकी थिकनेस कम होती है, उसकी मॉइस्चर कम होती है, ड्राई होती जाती है, और इसीलिए लाइंस और रिंकल्स ज़्यादा आते हैं। तो
तो मॉइस्चराइजर क्या करता है, स्किन के अंदर वाटर ट्रैप कर देता है और उसको एक यूथफुल अपीयरेंस, जवान स्मूथ अपीयरेंस देता है। तो मॉइस्चराइजर डेली यूज करना जरूरी है और बेस्ट रिजल्ट के लिए फेस पे अलग, बॉडी पे अलग, लिप पे अलग मॉइस्चराइजर, फेस मॉइस्चराइजर, बॉडी मॉइस्चराइजर, लिप बाम बेस्ट अप्रोच है। दिन में 2 बार बेस्ट है, अगर ड्राई स्किन है ज्यादा बार लगाइए, ऑयली स्किन है 1 बार कम से कम। ऑयली स्किन है तो फिर आपको एलोवेरा वाला मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, ड्राई स्किन है तो फिर आपको जो मॉइस्चराइजर बटर वाले, शिया बटर वाले, वैसे मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन में क्या सूट करता है। प्रोडक्ट्स हर एक में एक ही सूट नहीं करेगा, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रोडक्ट सूट करते हैं। फिर वॉश करना, क्लीन करना बेसिक है, वॉश अवे डर्ट और दूसरी जितनी भी गंदगी है उसे दिन में 2 बार आराम से धोना है और साबुन से नहीं धोना चाहिए। फेस को खासकर, फेस को अगर धोना है तो थोड़े कुनकुने पानी से आपको माइल्ड क्लेंजर से धोना है। बस उसका उद्देश्य होता है फेस के ऊपर लगी हुई गंदगी हटाना, अंदर ही अंदर डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, स्क्रबिंग नहीं करनी है। अगर वो करेंगे तो इंजरी होगी, जल्दी उम्र होगी, बढ़ेगी। फिर स्मोकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है, स्मोकिंग एक और, क्योंकि किसी भी प्रकार का धुआं अगर आप अंदर लेते हैं तो खासकर टोबैको में तो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि आपके चेहरे को स्मोकर्स फेस बना देंगे। स्मोकर्स फेस में क्या होता है, डल होता है, ड्राई कॉम्प्लेक्शन होता है, स्किन में फर्मनेस खत्म हो जाती है और प्री मेच्योर लाइन्स, रिंकल्स आ जाती है, लेदर जैसी दिखने लगती है स्किन बहुत ज़्यादा। तो स्मोकर्स फेस से बचना है, टोबैको स्मोक से बचिए, दूसरा भी पी रहा है दूर रहिए, किसी भी प्रकार के धुएं से दूर रहिए, चाहे वो ट्रैफिक का धुआं हो। अगर बाइक चलाते हैं तो मुंह पे गीला कपड़ा बांध के चलाइए। ईट ईट हेल्दी फूड्स, इसके अलावा खाने पीने पे ध्यान रखें। एक हेल्दी डाइट बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है, जो कि हेल्दी स्किन प्रमोट करती है। मेक श्योर कि आप बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लीन प्रोटीन खा रहे हैं, हेल्दी फैट खा रहे हैं, ओमेगा थ्रीज बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट वाइटामिन्स मिलेगा। ओमेगा थ्री आपको सीड से मिल सकते हैं, अगर आप फिश ऑयल्स, फिश नहीं खाते हैं, ऑयल्स नहीं खाते हैं तो ओमेगा थ्री फिश, तो ओमेगा थ्री सीड से लीजिए, फ्लैक्स सीड से लीजिए, चिया सीड से लीजिए, बहुत प्रकार के सीड्स हैं। और लास्ट में दोस्तों, नींद, नींद बहुत जरूरी है, उसको ब्यूटी स्लीप ऐसे ही नहीं कहते, नींद से ही आपके शरीर को वक्त मिलता है रिफ्रेश होने का, रिन्यू होने का। तो दोस्तों ये 7-8 चीजें अगर आप ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे डेली, तो फिर खुद आप देखेंगे आपके आसपास के लोगों से मच बेटर आप यंग दिखना शुरू हो जाएंगे और आपको एक्चुअली में रिंकल्स ही नहीं आएंगे, तो रिंकल क्रीम, आई क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर रिंकल्स है तो उन्हें कम करने के लिए वो क्रीम्स लगा सकते हैं, पर रिंकल्स और ना आए उसके लिए ये प्लान यूज करना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट एंटी एजिंग स्किन केयर प्लान। दोस्तों आई होप आपको समझ आया हो, इसे शेयर करिए। मैं डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद। बहुत सारे वीडियोज हैं हमारे चैनल में, स्किन केयर रूटीन्स हैं, एंटी एक्ने स्किन केयर रूटीन्स हैं, मेलेस्मा को समझाया हुआ, डार्क स्पॉट्स को समझाया हुआ, सब को जाके देखिए। मैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो दवाइयाँ मुझसे मत पूछिए, प्रोडक्ट्स मुझसे मत पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट अलग आदमी में अलग इफेक्ट करता है, हर इंसान में अलग अलग इफेक्ट करता है, मैं प्रोडक्ट इसलिए नहीं बताता। प्रोडक्ट सामने रहा आदमी को बता सकते हैं, लेकिन एनीवेज, सो कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।